हेलो वाटर साइन, इफ यू आर अ वाटर साइन एंड डीलिंग विद द वाटर साइन, वाटर साइन कौन होते हैं? स्कॉर्पियोज, कैंसर, स्पाइसेस। तो अगर आपका इनमें से कोई जोडियक है या आपके पार्टनर का भी सेम ही जोडियक है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो वाटर साइन वर्सेस वाटर साइन ये रीडिंग है सितंबर के मंथ के लिए। तो देख लेते हैं एक साइड की एनर्जी, आप जो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वाइस वर्सा आप शिफ्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। तो देख लेते हैं एक साइड के वाटर साइंस की लव एनर्जी उनके वाटर साइन वालों के लिए क्या है। सिक्स ऑफ वैंस, इधर वाली साइड की जो वाटर साइंस हैं उनकी लव एनर्जी अपने वाटर साइंस के लिए आखिर क्या होने वाली है। यहाँ आ गया है क्वीन ऑफ कप्स, इस इंसान की आखिर इस वाटर साइन की एनर्जी क्या होगी। तो यहाँ काफी कार्ड निकल के आ गए हैं, जस्टिस, एम्परर, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स एंड द जजमेंट कार्ड। तो इधर वाला जो वाटर साइन है, सबसे पहले बहुत ज़्यादा लव है अपने दूसरे वाटर साइन पार्टनर के लिए, अनकंडीशनल लव है, लव की कोई कमी नहीं है, विक्ट्री चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, दिल में बहुत ज़्यादा जो है पैशन है अपने पार्टनर के लिए, लव है, अट्रैक्शन की कमी नहीं है यहाँ पे। सॉरी फ्रेंड्स, जस्टिस कार्ड, अगर कुछ गलत हुआ है आपके कनेक्शन में आप उसे सही करना चाहते हैं, जो इधर वाले वाटर साइन है वो सही करना चाहते हैं, अपनी मैस्कुलिन साइड को रेज कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग स्किल्स पे काम कर रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पे काम कर रहे हैं, अपनी किसी क्रिएटिव साइड पे काम कर रहे हैं, अपनी वाइब्रेशन को हाई कर रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो इंसान है ये सच्चाई और सही के रास्ते पर चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, विक्ट्री चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, सही का साथ देना चाहते हैं, पैशन की कोई कमी नहीं है अपने पार्टनर के लिए, थोड़ी सी प्राइड इश्यूज देखने को मिल रही है, लेकिन जो मैस्कुलिन साइड है एक पार्टनर की, जो मैस्कुलिन साइड है बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रही है हमारी इस पाइल में। और थ्री ऑफ स्वॉर्ड दिखा रहा है किसी चीज़ की वजह से पास्ट में हर्ट हुआ है इस इंसान को, लेकिन अब जो वो पेन थी वो पीछे छोड़ आए हैं, अब बहुत ज़्यादा अपने आप को बैलेंस कर लिया है इस वाटर वाटर साइन ने। यस, पास्ट में पेन था, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या कोई फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से लड़ाइयाँ हुई या जो भी सिचुएशन थी, पेन फील किया है इस इंसान वाले ने, लेकिन अपनी इंट्यूशन सुनते हुए, अच्छी इंट्यूशन पावर है तो इंट्यूशन को सुनते हुए आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। और यहाँ जो ये कार्ड दिखा रहा है जजमेंट का, ये दिखा रहा है रिकंसिलेशन कहीं ना कहीं इनके दिल में है कि अगर हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ऑब्सेसिव वाली फीलिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। अपने इमोशंस की कमी नहीं है, लव की कमी नहीं है, लेकिन थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर जो है, ज़्यादा ओवरली बताएंगे नहीं अपनी फीलिंग्स को, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, थोड़ी अवेकनिंग यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है, थोड़ी सोल जर्नी में ये इंसान लगा हुआ दिख रहा है। तो ये एनर्जी अगर आपकी है तो ये आपके साथ थी, अब हम आपके पार्टनर की देख लेते हैं। अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है तो अब आपकी एनर्जी देख लेते हैं। तो देख लेते हैं दूसरी साइड का जो वाटर साइन है उसकी लव एनर्जी इस वाटर साइन वालों के लिए आखिर क्या रहने वाली है। तो नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स निकल के आया है यहाँ, एट ऑफ पेंटिकल निकल के आया है, फाइव ऑफ पेंटिकल निकल के आया है, टेन ऑफ पेंटिकल निकल के आया है यहाँ पे, और फोर ऑफ कप्स निकल के आया है। एक लास्ट कार्ड लेंगे, इस वाटर साइन की क्या एनर्जी रहेगी इसके लिए। एस ऑफ वैंड्स निकल के आया है, बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ कप। तो जो दूसरे साइड वाले वाटर साइन है, स्लीपलेस नाइट्स हैं, रात को सो नहीं पाते, आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन फील कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं आपका, पास्ट में इग्नोर फील कर रहे थे, आपको छोड़ के गए थे, या तो इस इंसान ने आपको इग्नोर मारा था या आपने इग्नोर किया था, या जस्ट सिंपली वो खुद ही किसी तरीके से इग्नोर फील करने लग गए थे आपके द्वारा इस कनेक्शन में, लेकिन वो आपके साथ क्योंकि चाहते हैं, एंजाइटी क्यों हो रही है, आपकी वेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके साथ एक अबंडेंस चाहते हैं, एक हैप्पी होम लाइक फैमिली चाहते हैं। फोर ऑफ कप्स, इस वक्त ये इंसान जो है अपने ही ख्यालों में गुम है, बाहर की डिस्ट्रैक्शन को नहीं देख रहा, अगर आप ऑफर कर रहे हैं तो उसकी उम्मीद ही नहीं है इस इंसान को, ये इंसान बस अपना जो है एंजाइटी और डिप्रेशन फील कर रहा है, वेटिंग मोड में है और एक नई शुरुआत चाहता है आपके साथ जो कि पैशनेट हो। पैशन यहाँ इस इंसान को काफ़ी है आपसे
और ये चाहता है कि एक पैशनेट न्यू शुरुआत हो जाए आपके साथ, और ये एक ऑफर भी आपको देना चाहता है, पीसफुल रेजोल्यूशन चाहता है, ये वाला सेकंड वाला जो हमारी सेकंड पाइल है, ठीक है। तो एक टेक्स्ट मैसेज यहाँ आता हुआ आपकी तरफ दिख रहा है सितंबर के मंथ में, लेकिन ये एक सिंपल मैसेज हो सकता है। इसको आप, क्योंकि ये जस्ट पेज है, तो आप इसको कोई खास बड़ा ऑफर नहीं समझ सकते हैं, लेकिन ये इंसान जो है एक नई शुरुआत चाहता है। अब हम फाइनल आउटकम देख लेते हैं इस कनेक्शन की सितंबर के महीने में, वाटर साइन वर्सेस वाटर साइन की जो फाइनल आउटकम है लव की सितंबर के लिए क्या निकल कर आएगी। सेवन ऑफ वैंस एंड द सेवन ऑफ कप्स, डू यू बिलीव इट, सेवन सेवन, सेवन ऑफ वैंस, सेवन ऑफ कप। तो यहाँ एक रिस्ट्रिक्टिव एक वॉल खड़ी कर रखी है, या तो आपने या तो आपके पार्टनर ने, या ये थोड़ा म्यूचुअल एनर्जी दोनों तरफ से देखने को मिल रही है, क्योंकि इधर वाले इंसान में भी थोड़ी प्राइड देखने को मिल रही है, और ये इंसान ने क्योंकि पास्ट में फील किया है, ये सिर्फ वेट कर रहा है आपकी, कोई एफर्ट नहीं पुट कर रहा है, वेट 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 कर रहा है कि आप ही कुछ एक्शन लें, जो ये वाला साइड है। तो यहाँ एक डिफेंसिव एक दीवार सी खड़ी हुई नज़र आ रही है, कोई कम्युनिकेशन के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, जबकि दोनों ही पार्टीज चाहती हैं रिकन्सिलिएशन को, लेकिन माइंड स्कैटर्ड है, कंफ्यूज्ड है कि आखिर क्या करना सही होगा या नहीं। वो चाहते हैं आप पहला कदम लें, आप चाहते हैं कि वो लें, तो इस तरह की थोड़ी सिचुएशन यहाँ बन रही है। अब हम ले लेते हैं एडवाइस, पहले पाइल के लिए एडवाइस फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, क्या एडवाइस आई है। ओ माई गॉड, ब्लैंक। ओके, सो आई डोंट राइट एनी थिंग ऑन दिस पेपर, बट लेट्स सी एनी एडवाइस फॉर दिस पाइल। आपके लिए कोई एडवाइस वैसे नहीं हो सकती, ग्रेट हैप्पीनेस, क्योंकि आप जो हैं एक स्पिरिचुअल पाइल देखने को मिल रहा है। जो पहला पाइल हमने डिस्कस किया था वो स्पिरिचुअल है, वो जानते हैं अपनी वाइब्रेशन कैसे हाई करनी है, कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। तो बेसिकली आपके लिए कोई एडवाइस नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं आपको क्या करना है, आपको इनर से जो है आपकी इंट्यूशन गाइड करती है हर वक्त कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है। ग्रेट हैप्पीनेस जो है आपकी लाइफ में आने वाली है, क्योंकि आप अपनी वाइब्रेशन को रेज कर रहे हैं। ये इंसान आपके साथ नहीं भी है तो फिर भी आप बैलेंस में हैं एज कम्पेयर टू दिस पर्सन। ये इंसान तो टोटली डिप्रेशन में है, आप जो हैं बैलेंस्ड हैं, आप अपनी हाई वाइब्रेशन में हैं। ये जो वाला फर्स्ट पाइल था ये रो नहीं रहा है, आई एम सॉरी, अगर आप थोड़ा डिप्रेसिव फील्ड में हैं, देन आप सेकंड पाइल हैं, आपका पार्टनर थोड़ा बैलेंस आउट है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी थर्ड पार्टी में होगा, बट फॉर सम देयर इज अ चांसेस बिकॉज ऑफ थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट। सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स विद यू। सो लेट मी टेक वन एडवाइस फॉर द सेकंड पाइल, वन एडवाइस फॉर द अनदर पाइल। सो डेट इज पैरेट, समवन इज गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट। तो जो ये डिप्रेसिव पर्सन है, ये अपनी सारी बातें किसी एक ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड से डिस्कस करता है, या किसी से भी डिस्कस करता है, तो वो जो इसका फ्रेंड है ना, वो सारी बातें लीक आउट कर रहा है इधर से उधर। तो इनको थोड़ा ऐसे गॉसिप वाले लोगों से बच के रहने की ज़रूरत है। तो यही एडवाइस थी। अगर आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।